हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के साथ ओट्स की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ओट्स वेट लूज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसे खिचड़ी की तरह बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी है और आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगा इसे खा करके। और आप इसे लंच डिनर किसी भी वक्त भी बना के खा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ओट्स की खिचड़ी। ओट्स की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इस प्रेशर कुकर में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच खड़ा जीरा, 1 पिंच हींग। अब हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मूंग दाल। मैंने यहाँ पे 3/4 कप मूंग दाल लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से धो करके रखा था, तो अब उसे भी डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप ओट्स। दोस्तों मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ओट्स लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल ओट्स भी ले सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे। दोस्तों आप जिस कप से 1 कप ओट्स लेंगे उसी कप से आप 3/4 कप दाल लेंगे। कोई भी आप कप लीजिए, बस मेजरमेंट यही होना चाहिए। अब ओट्स को भी हम लोग दाल के साथ 30 सेकेंड के लिए बस मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ज्यादा नहीं, मैंने बस 30 से 1 मिनट के अंदर इसमें इसे थोड़ा सा भून लिया है। बहुत ज्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। दोस्तों जिस कप से मैंने ओट्स लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है। अब इसे मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। कुकर को बंद कर लेंगे और इसे बस 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो ओट्स और दाल अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसे ज्यादा नहीं, बस 2 सीटी आने तक ही मैंने इसे पकाया है। अब फिर से मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, 1/4 चम्मच खड़ा जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, चलिए मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, सभी मिला लें। टमाटर को मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिला लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दो मिनट इसे भूनने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब इन सभी सब्जियों को डालने के बाद इसे हम लोग मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे आप घर पे जरूर बनाइए, ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। सारे सब्जियों को मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमने ओट्स में भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से इन सब्जियों में नमक डालें, इसे मिक्स कर लें। ऐसे हम लोग सब्जियों के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं गलाना, बस थोड़ा सा सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी तब तक इसे पका लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। देखिए सब्जियां अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे गला हुआ ओट्स और दाल, इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैंने बस 1/2 कप पानी डाला है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, इसे भी मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो लीजिए हमारा ओट्स खिचड़ी रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो अब ये ओट्स की खिचड़ी रेडी है, आप इसे घर पे जरूर बनाइए। और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए।